तो सबसे पहले तो आप सबको बड़ी सी नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, भले होंगे, स्वस्थ होंगे, फिर भी होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली छोटा वाला बेटा, उसकी तबीयत ख़राब चल रही, तो बोला कि मुझे शवरमा रोल खाना है। सो देन हम उसको बाहर लेके गए, चलो ढूंढते हैं। हमने ऑनलाइन देखा था, बट हमने सोचा कि ऑफलाइन जो था ऑर्डर करके थोड़ा महंगा पड़ रहा था, क्यों ना खुद ही जाके ले आए और अपनी चॉइस का जो है अपना उसको बोल के उसके अंदर मसाले ऐड ऑन करवा लेंगे, कम करवा लेंगे। बट हमने जो देखा था लोकेशन, हमें कहीं पे भी यहाँ पे इसमें जो था नहीं मिल रहा था। बट स्टिल हम आगे बढ़ते गए। तो फिर जब हम जाते, जैसे बच्चों बड़ा वाला बेटा हमारे साथ नहीं गया था, तो वो घर पे ही था। सो देन हमने सोचा कि चलो जब हम वो नहीं जाता है तो हम उसका जो भी उसने खाना होता हम उससे कॉल करके पूछ लेते हैं और उसका पैक करके हम साथ में पोटली उसकी बांध के ले आते हैं, भैया घर में खा ले अपना गर्म करके। सो यहाँ पे छोटे भाई साहब थोड़े क्रैंकी हो रखे थे तबीयत ठीक होने ना होने की वजह से, तो ढूंढ रहे थे बट स्टिल हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो बट कभी कभी निकल के ऐसे थोड़ा सा कहते ना आवारा से घूमने में अलग ही मज़ा आता है ना, जब आपके पास टाइम कम हो। मेरी क्लासेस थी और मुझे थोड़ा सा जल्दी था कि मैं वापस आऊँ, बट स्टिल हम यहाँ पे फिर अब फाइनली वो शॉप हमें दिख गई थी। तो इन्होंने पूछा लेकिन वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था, तो वो ऑर्डर में ही ऑनलाइन मिल रहा था बट वहाँ पे बैठ के वो जहाँ पैक करके नहीं दे रहे थे। तो देन हमने सोचा चलो हम निकलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ बैठे थे, मैंने बोला चलो थोड़ी देर बैठ के इधर उधर झाँक ले, तो वही काम हम यहाँ पे बैठ के कर रहे थे। वॉइस क्लियर है या नहीं है। तो अभी आए हैं, छोटे वाले बेटे को रोल खाना है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रखी है तो उसको कुछ अलग का खाना है। बैठे हैं भाई साहब, वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रोल नहीं मिला। हम आए तो वापस चलते हैं, नहीं है यहाँ पे। क्या कह रहे हो? नहीं है बेटा रोल है। मेरा बच्चा वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, मेरे छोटे सा मम्मा का लाड था। आप मेरे साथ इधर उधर झांक लो, पीछे की दुनिया देख लो, सारी देख लो नीचे। मैंने सोचा यहाँ पे शवरमा रोल मिल जाएगा बट नहीं मिला, तो हम अपना समूह लेके जा रहे हैं। अब चलते हैं घर, बड़े वाला बेटा घर रहा है, उसका मूड नहीं था आने का, तो इसलिए अब हम चल रहे हैं वापस। क्या है यहाँ पे? उनको नहीं मिला शवरमा रोल और अब चल रहे हैं दूसरी ओर। ये देखो बारिश का मौसम हो रहा है, सारी नहीं खानी मेंटस। यहाँ पे फाइनली भाई साहब को सेक्टर 14 में जाके शवरमा रोल उसी जगह से मिला जहाँ से हम पर्टिकुलर लेते हैं, और यहाँ पे सस्ता भी मिलता है और टेस्टी भी मिलता है, और मिल गया इनको। और यहाँ पे हस्बैंड पैक करवा ले हैं बड़े वाले बेटे के लिए, उसका स्पेशल उसकी पसंद का बर्गर पैक करवा रहे हैं हम लोग। ये देखो वड़ा पाव, सांभर, इडली, डोसा। चलो भी अब इसको खिला दिया। अब इसको लग रही है ठंड, कर हीटर चला दो, इतनी गर्मी हो रखी, कर हीटर चला दो। तो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, बढ़ रहे हैं बेटे, हम बड़े वाला घर पे ही है, चलते हैं, बढ़ते हैं भाई। हाँ हाँ
अब हम पहुंच चुके अपने घर, यहाँ से लेंगे दूध हम। हम यहाँ बैठे रहेंगे और ये दूध लेके आएंगे। क्या हुआ? ठंड लग रही है। फीवर है इसको? ठंडी सी लग रही है। ठंडी लग रही है जैसे टर्बो करते हैं ना। पहुंच गए भैया घर। पहले दूध ले जाना, मम्मा उठा रही है। बेटा आप रहने दो, मम्मा के चोर से जाओ। इतना भार उठवाएंगे चिड़िया जी से। लाडली सी चिड़िया है मम्मा की, लाडली सी। चलो बाय बाय लोग। रुको दूध उठा लेने का, कुछ और तो नहीं है ना। नहीं रे। चलो वी हैव रीच्ड बैक होम नाउ। देखते हैं भैया जी क्या कर रहे हैं। छोटे वाले, बड़े वाले बेटा, छोटा तो चला गया अंदर घर के। ओहो पता नहीं क्या जला रखा, इतनी स्मेल हो रखी, पॉपकॉर्न पका रखे इस लड़के ने। जब हम कहीं बाहर गए होते आते हैं तो बच्चों ने गदर मचाया होता है। चलो मैं अंधेरे में चलते, क्यों लाइट ऑन करनी ना यहाँ पे बेकार में। नहीं ये फ्रिज में तो रखना ही पड़ेगा भैया। लेट मी स्विच ऑन द लाइट। यस भाई साहब ने वैसे कुछ पकाया तो नहीं लग रहा, बर्तन तो घर रखे हैं भाई, रखे फ्रिज में। ज़्यादा गदर नहीं मचाया, बस चाय बना के पिए। और हाँ बेटा, हाँ देती हूँ पॉपकॉर्न बना के खाइए। कैमरा ऑफ करना। क्या हुआ? ये देखो गदर मचा के बैठा है, पॉपकॉर्न खा रहा है। चलो भी अब पहुँच चुके हम अपने घर। छोटे वाले बेटे को थोड़ी सी आउटिंग करवा दी है हमने, इसको कुछ खिला दिया क्योंकि इसको घर पे खाना बना हुआ बट उसका शवरमा रोल खाने का मन था। तो हमने सोचा जो एटलीस्ट कुछ तो उसके अंदर जाए ना, वो ढंग से खाना पीना नहीं खा पा रहा। उसकी तबीयत, मेरे बच्चे का वेट भी वो हो गया, कम हो गया, काफ़ी पतला हो गया। और फिर बाहर भी जाते हैं तो उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन दे के बोलना पड़ता, भैया इसके अंदर ये चीज़ डलनी चाहिए, ये नहीं डलनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये वो नहीं होना चाहिए। तो अभी हस्बैंड भी थोड़ा डाउन फील कर रहे थे, तो बेटे की तबीयत ऐसी होती है तो फिर हमारा जो घर का माहौल थोड़ा सा खामोश सा हो जाता है। दो चार दिन स्कूल जाता फिर बीमार हो जाता, दो चार दिन स्कूल जाता फिर हो जाता तबीयत ख़राब। तो उसको फाइनली पानी भी नहीं निकला जा रहा था। कहाँ क्या आ रहा गले में? ऐसा लग रहा था यहाँ पेट का, फिर ऐसे कर रहा तो निकल। इसको ना सिट्राजिन देते हैं, उसमें कुछ डला तो नहीं था इस रोल में कुछ ऐसा? बस थोड़ी सी मिर्ची थी। सो मैं हूँ यहाँ पे किताबों के ढेर में। देखें एक्चुअली मैं छोटे वाले बेटे की ना काफ़ी छुट्टी होगी बिकॉज ऑफ सिकनेस, तो उसकी स्टडीज़ उसकी एग्ज़ाम की तैयारी मैं करवा रही हूँ यहाँ पे बैठ के ना, उसको टेस्ट बना के दे रही हूँ। एक्चुअली कभी कभी पापा पढ़ाते हैं इसको, कभी मैं पढ़ाती हूँ, कभी बेटा बड़ा वाला पढ़ाता है। तो एक्चुअली बड़ा वाला बेटा वो अपनी खुद की स्टडीज़ जो है ना वो नाइट में करता है क्योंकि उसको पीसफुल नाइट में ही रहता है उसको एक एनवायरनमेंट। तो वो रात को दो ढाई ऐसे सोता है, तो देन मॉर्निंग में फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो 11-12 जैसे आराम से उठता है। तो दिन में फिर वो मेरे कामों में हेल्प करता है, इसको पढ़ाता है। फिर जब मैं फ्री होती हूँ तो देन वो अपनी फिर जो है फिर वो ये लोग भी इंजॉय करने लग जाते हैं अपना, गेम खेलना, मोबाइल देखना। तो यहाँ पे हस्बैंड बैठे थे और गाना गा रहे थे और छोटा वाला बेटा उन्हें देख के हंस रहा था। हम निकले रात को यहाँ अपनी सोसाइटी से बाहर, रोड पे आए हैं। हम ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं हम? टैंग। रात को जंगलों में देख लो भाई,
ये देख कुत्तों ने हल्ला मचाया अपना। क्या संस्कृति, संस्कृति क्या हुआ? 3 BHK का रेंट 32,000, 34,000। बाप रे, कहाँ जाएंगे हम? काफी निकलते हैं। हाँ, तब मैं बोलता हूँ। ये ले लिया हमने। कितने हो गए? क्या क्या हो गया था? ये तीन चीज़ें हैं। 30, 40, 50, 60। देखो सारी दुनिया सो गई है। कितने बज गए रात के? 10:30। 10:30 बज गए हैं और हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। हमने ना वॉक नहीं, मैंने तो अपना ना प्लान ड्रॉप कर दिया था कि आज वॉक नहीं करेंगे, पर थोड़ी सी हो गई क्योंकि डिमांड आ गई कि मुझे टैंक पीना है। हमारी कक्को जो है पिछले हफ्ते से बीमार चल रहा है, पिछले 2 हफ्तों से, तब उसकी दवाइयाँ खा खा के अंदर गर्मी भर गई, तो हम कह रहा कुछ पीने का मन हो रहा, पीने का ना तो बेचारे को दूध दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। तो फिर हमने सोचा ना तो कोई कोल्ड ड्रिंक, ना ठंड जूस वगैरह, कुछ भी नहीं, तो अभी कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हमारे पास में टैंक मिला, वो पैकेट लेके आ गया। चले घर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सो जाओ, चलो ले आए, मैं उसको टैंक बना देती हूँ, आप सो जाओ। इनको सुबह जाना है तो इसलिए कह रहे हैं भी जल्दी सो जाओ, सुबह इनको 3 बजे उठना है, 3 बजे निकलना है। ये देखो हमारे भाई साहब बैठे हैं, केक लिया मम्मा ने, मेकिंग कर ली। तो पापा, पापा बिया का कर लिया, बिया ने मारा था। इसकी तो खुशबू भी अच्छी है। सच्ची में खुशबू देखो इसकी। जैसे ना एक जैसे किसी परफ्यूम की नहीं आती है, एक ऐसी सी। ये क्या लाए पापा? क्या लाए कक्को के लिए? ये तो मम्मा अपने लिए लाई है, ये टैंक आपका, ये मम्मा और बिया का और पापा का है। हाँ। इसमें जी आपको भी मिलेगा, मम्मा की चिया को भी देंगे। लाओ मम्मा घोल के पिला दे आपको। हाँ। धुआं चढ़ गया। लाओ मम्मा खोल के दे। पाप। ये इससे काटना पड़ेगा बेटा, ये पकड़ो, ये पकड़ेगा, ये कौन दे तिनको यार। गाइस आज मम्मा बनाने वाली है, देखो ये लो, आप ले लो, पापा को तो भैया को देना, ठीक है? मम्मा ये बना के देती टैन आपको। दो दो मैंने विदाउट शुगर, मैंने थोड़ा सा, मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई है ना, मेरे को कई बार मैं वीडियो बनाती रहती हूँ और कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ मैं। तो ये भाई साहब के लिए बना दिया है मैंने टैंग, इसके अंदर मैंने शुगर नहीं डाला, मैंने टैंग ही उतना डाला है कि एक्स्ट्रा शुगर इसमें ऐड ना करना पड़े। लेट मी चेक, टैंग थोड़ा कम है इसमें। मैंने ये वीडियो थर्सडे को बनाना शुरू किया था और आज हो गया है, व्हाट इज़ द डे टुडे, ट्यूसडे। तो एक्चुअली मेरे पास काम बहुत ज़्यादा रहता है, मेरी क्लासेस रहती है, अभी मेरे पास कुछ नई क्लासेस भी आ रही हैं, तो मेरा पहला फोकस जो रहता है ना घर के बाद जो मेरा पहला फोकस रहता है वो मेरे बच्चों पे और मेरे काम के ऊपर रहता है मेरा।
तो अभी हमारे इतने सब्सक्राइबर्स तो है नहीं कि हम डेली वीडियो डालें, तो मैं टुकड़ियों में वीडियो डालती हूँ, बट थैंक यू करती हूँ जो हमें अपना टाइम निकाल के देखते हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है, क्योंकि वो मेरी एक अर्निंग है, तो उसके साथ मेरे लिए ना एक व्लॉगिंग करना डेली इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो जब मेरे को टाइम मिलता है देन आई रिकॉर्ड सम वीडियोस एंड आई जस्ट कलेक्ट सम यू नो स्मॉल क्लिप्स देन आई ब्रिंग देम टुगेदर एंड मेक अ प्रॉपर व्लॉग। सो अभी मेरा टैंक जो है वो रेडी हो चुका है, भाई साहब का टैंक दे जाके, तो मैं अपने वीडियो को यहाँ पे जो है एंड करती हूँ। और मैं आप सबको कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे व्लॉग को ज़रूर, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमें देखना पसंद करते हैं तो शेयर करें। और अभी टैंक देने जा रही हूँ, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बेटा डोर ओपन करो, तो आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। काकू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मम्मा ने बोला। ये लो पकड़ो टैंक, चख के देखो कैसा बना। एक मिनट, मैं वीडियो के एंड करने लगी थी तो बीच में मेरी सिस्टर का कॉल आ गया, तो फिर मैं उससे बताने लग गई। तो अभी चलो, मैं इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और मैं थैंक्स बोलती हूँ जो हमें देखते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, कीमती समय निकाल के हमारे वीडियोस को देते हैं। सो मेरे को बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं, बट आई एम हैप्पी दैट सम ऑफ द पीपल आर देयर हु वॉच अस, एंड गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। And so let me meet again with another video. So I don't know when I will be able to post another video, but whenever I will get time, so I will post. So till then, bye bye, take care, God bless you, bye bye.